हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज है 1 अक्टूबर 2018 और आज के वीडियो की पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। हमारी वेबसाइट है examguruji.in, या हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर ले, वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन दी गई है। साथ ही एक बड़ा अनाउंसमेंट आज मैं करने वाला हूँ। कल आज से, जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे, 1 तारीख से शाम से आपका करंट अफेयर को देखने का जो तरीका है पूरी तरह से बदलने वाला है। हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं एक पूरी तरीके से न्यूज शो जैसा आप न्यूज देखते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से हमारे परीक्षा से ओरिएंटेड करंट अफेयर से पे बेस्ड होगा। तो आप इंतजार कीजिए कल शाम का। कल शाम यानी आज शाम 1 अक्टूबर को, आप 1 अक्टूबर की शाम से आपको डेली अब करंट अफेयर वैसे मिलेगा। अगर आप कंटिन्यू चाहेंगे तो दोनों तरीके से आपको करंट अफेयर मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे हम आज के करंट अफेयर के, कल के करंट अफेयर के प्रश्नों की। पहला प्रश्न हमने पढ़ा था कि किसने नई दिल्ली में पुनरुत्थान के लिए शिक्षा पर एकेडमिक नेतृत्व पर सम्मेलन का उद्घाटन किया, और इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। दूसरा प्रश्न है कि किसे राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण NFRA इसका पहला प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो रंगाचारी श्रीधरन को पहला प्रमुख नियुक्त किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि 12 हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन 5 अक्टूबर से कहाँ होगा, तो 5 अक्टूबर से ये सम्मेलन शिमला के अंदर आयोजित किया जाएगा। चौथा प्रश्न है कि वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है, तो इसको मनाया जाता है 29 सितंबर को। पांचवा प्रश्न है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किस अभियान के तहत गूगल मैप पर सार्वजनिक शौचालय का मूल्यांकन और समीक्षा करने के लिए साझेदारी की है, तो ये साझेदारी की गई है लू रिव्यू, ठीक है, लू रिव्यू अभियान इसके तहत। छठवां प्रश्न है कि आरबीआई ने किस बैंक को नई शाखा खोलने पर रोक लगा दी है, तो आरबीआई ने बंधन बैंक पर नई शाखा खोलने पर रोक लगा दी है। सातवां प्रश्न कि 4 अक्टूबर से 2 दिवसीय भारत यात्रा पर कौन आ रहे हैं, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत रूस शिखर वार्ता के लिए आ रहे हैं। आठवां प्रश्न है देश का पहला 2 दिन का मक्का उत्सव किस प्रदेश में शुरू हुआ, तो मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जिले के अंदर ये शुरू हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मक्का महोत्सव। नवा प्रश्न है कि किस भारतीय तीरंदाज ने विश्व कप में कांस्य पदक और रजत पदक, व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य और टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है, तो अभिषेक वर्मा ने ये जीता है। और दसवां प्रश्न कल हमने पढ़ा था कि भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर 7वीं बार एशिया कप क्रिकेट पर कब्जा किया है या जीता है, तो बांग्लादेश को भारत ने हरा दिया। तो ये थे हमारे कल के करंट अफेयर के प्रश्न। अब हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अमूल डेयरी के अत्याधुनिक चॉकलेट संयंत्र का उद्घाटन किया, और यह उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात में। गुजरात में भी कहा आनंद में, याद रखिएगा, गुजरात में भी आनंद में इसका जो है शुरुआत की गई। इसकी डिटेल देखते हैं क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के आणंद में, आणंद जिले के मोगार गांव में अमूल डेयरी के अत्याधुनिक चॉकलेट संयंत्र का उद्घाटन किया। इस पर 190 करोड़ रुपए की लागत आई है। साथ ही उद्यमियों और स्टार्टअप योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर और उत्कृष्टता केंद्र के साथ प्रतिदिन 600 टन क्षमता का जो टेक होम राशन संयंत्र है, और मासिक 600 टन की क्षमता वाला उपचारात्मक खाद्य संयंत्र, इसका भी उद्घाटन उनके द्वारा किया गया। साथ में वहां से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पहले अमूल डेयरी संयंत्र की आधारशिला भी उनके द्वारा रखी गई, तो आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अमूल की, हमारी परीक्षा दृष्टि में। अमूल अमूल भारत का एक दुग्ध सहकारी, सहकारी क्या होता है, जब कुछ लोग मिलकर एक संस्था बनाते हैं तो वो सहकारी संस्था होती है, तो सहकारी आंदोलन है। इसका मूल आणंद में है, गुजरात में आणंद करके जगह है, और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी वर्गीज कुरियन साहब ने, और ऑपरेशन फ्लड का जनक भी इस चीज को कहा जाता है अमूल, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कि किस अधिनियम की समीक्षा के लिए समीक्षा समिति का गठन किया गया है, तो अभी एक अधिनियम की समीक्षा के लिए समीक्षा समिति का गठन किया है, और यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, बी ऑप्शन सही है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम के लिए। किसने गठन किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। इसकी डिटेल देखिए, सशक्त आर्थिक आधारभूत ढांचे की आवश्यकता के लिए संबंधित अधिनियम को समकालीन बनाने के उद्देश्य केंद्र सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की समीक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम समीक्षा समिति का गठन किया। कौन सी प्रतिस्पर्धा अधिनियम समीक्षा समिति इसका गठन किया है। वर्ष 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम पारित किए जाने के बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब की गई थी, 2009 से की गई थी, और 2009 से इसने जो है काम प्रारंभ कर दिया। देश में प्रतिस्पर्धा के विकास और बाजार में उचित नीतियों के प्रयोग के लिए यह अपना काम करता है। तो प्रतिस्पर्धा आयोग क्या काम करता है, मार्केट जो है, मार्केट में प्रतिस्पर्धा बनी रहे और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे, मार्केट का विकास हो सके, उसके लिए काम करता है। बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की कि किस योजना के तहत बायोगैस प्लांट में
गैस तैयार करके सरकार को बेचा जा सकेगा। और इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है SATAT, सतत योजना, ठीक है। और जो हमारा पेट्रोलियम मंत्रालय है, जिसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनके द्वारा इसकी जानकारी दी गई। इसकी डिटेल देखते हैं क्या है। तो जल्दी सरकार एक ऐसी योजना लॉन्च करने वाली है, जिसके तहत बायोगैस प्लांट में तैयार करके सरकार को उसको जो है गैस को बेचा जा सकेगा, ठीक है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि 1 अक्टूबर को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऑयल कंपनियों के साथ मिलकर सस्ते परिवहन के लिए टिकाऊ विकल्प के तौर पर सतत नाम की योजना लॉन्च करेंगे। और इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में क्षमतावान एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो उद्यमी होते हैं, उनको कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और उस बायोगैस के थ्रू जो गैस निकलेगी, उसे सरकार खरीद लेगी। तो याद रखिएगा, इस प्रकार की योजना पे काम चल रहा है। बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश का 52वां जिला बन गया है और आज से ये अस्तित्व में आ जाएगा। इसका नाम क्या है? निवाड़ी, ठीक है। किससे अलग होकर बना है? तो टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी जिला बनाया गया है। इसकी डिटेल लिखिए क्या है। तो टीकमगढ़ से अलग कर निवाड़ी प्रदेश का 52वां जिला बनेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में इसको पास कर दिया गया। साथ ही राजस्व विभाग ने इसके लिए क्या कर दिया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नया जिला 1 अक्टूबर को, यानी आज, अस्तित्व में आ जाएगा और इसके संबंध में राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। आदेश अनुसार टीकमगढ़ जिले की तहसील है पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा, इनको अलग करके ये नया जिला बनाया गया है। यानी 1 अक्टूबर से मध्य प्रदेश के अंदर कुल जिलों की संख्या 52 हो जाएगी। तो ये हमें याद रखना है। अच्छा, इससे पहले कब जिला बना था? 2013 में। कौन सा जिला बना था? तो आगरमालवा, याद रखिएगा। इससे पहले आगरमालवा जिला बना था। और ये किससे अलग होके बना था? तो आगरमालवा जिला जो था वो शाजापुर से अलग होके बना था। तो ये भी हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं पूरे भारत के, और उनमें से प्रमुख है कान्हा किसली, बांधवगढ़, पन्ना, पेच, संजय, सतपुड़ा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये मध्य प्रदेश है, आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश है। बात करते हैं हम पांचवें प्रश्न की कि क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए आचार संहिता, नई आचार संहिता बनाई गई, कोड ऑफ कंडक्ट और नई डकवर्ट लुईस प्रणाली लागू कर दी गई है, और ये कब से लागू हुई है? तो ये लागू कल से हुई, यानी 30 सितंबर से इसको लागू कर दिया गया है। किसके खिलाफ कब लागू हुई, इसकी डिटेल देखिए क्या है। इसकी डिटेल है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यानी कि ICC ने डकवर्ड लुईस प्रणाली DLS सहित देश के सहित खिलाड़ियों के लिए नई आचार संहिता के नए नियम जारी किए हैं और 30 सितंबर से ये प्रभावी हो गए। ICC ने बताया कि किम्बरले में दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच से पहले नए नियम जो है लागू हो जाएंगे। ये डिटेल इसकी नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। छठवां प्रश्न है कि दीपिका ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तीरंदाजी दीपिका और इनके द्वारा जो है कांस्य पदक जीता गया है। बी ऑप्शन सही है, कांस्य पदक जीता गया। डिटेल देखिए इनकी क्या है। तो भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने तुर्की में आयोजित विश्व कप फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और रविवार को व्यक्तिगत रिकवर वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया। इनने जो है क्वार्टर फाइनल में ताइपे के लेई चियन यिंग को हराया था। अब बात करते हैं हम सातवें प्रश्न की, और ये आज का अंतिम प्रश्न भी है। क्यों? क्योंकि कल था रविवार और रविवार होने के कारण बहुत कम घटनाएं होती हैं, तो इसलिए हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही रख ली रखी हैं। बहुत ज्यादा हमने फालतू की न्यूज आपके लिए नहीं लेकर आते हैं। सातवां है कि किसने 25वां एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है युवराज बाधवानी ने, ठीक है। किसने जीता है? तो युवराज बाधवानी ने खिताब जीता है। इसकी डिटेल देखिए क्या है। तो भारत के युवराज बाधवानी ने 25वां एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। उन्होंने चेन्नई के अंदर पाकिस्तान के अनस अली शाह को फाइनल में हराया और अंडर 13 खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं युवराज। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के प्रश्न। आई होप कि आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। आज की बात हम करेंगे यही समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।